इकाई की आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, देखिए महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र टाइम्स जो मराठी के अंदर प्रकाशित होता है उसके अंदर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई को लेकर एक गलत समाचार समाचार प्रकाशित किया गया है, गलत जानकारियां दी गई हैं उसके अंदर, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा एक और मराठी भाषा के अंदर वहाँ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ दिखाई जाती है लोकमत के नाम से, जिसकी यूट्यूब पर एक गलत वीडियो जम्मू कश्मीर इकाई को लेकर अपलोड की गई है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। और इस दोनों मीडिया हाउसेस को, मीडिया संस्थाओं को हम यहाँ पर एक नोटिस, लीगल नोटिस भी भिजवा रहे हैं। इन लीगल नोटिस में भी कहा गया है और इनका जो समाचार वहाँ पर प्रकाशित हुआ है और जो इनके अंदर वीडियो अपलोड की गई है उसके अंदर ऐसा दावा किया गया है कि शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से गृह मंत्री देश के जो हैं माननीय अमित शाह जी से 370 बहाली की मांग की गई है। और इसके अंदर जो रेफरेंस दिया गया है वो हमारी 19 मार्च को जो बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जो हमने प्रदर्शन किया था उसका हवाला दिया गया है। मैं आपको ये साफ कर दूं, 19 मार्च को हमने वहाँ प्रदर्शन किया था बड़ी ब्राह्मणा के अंदर, जिसके अंदर हमारी प्रेस रिलीज के मुताबिक और जो हमने बाइट दी गई थी उसके मुताबिक हमने कहीं पर भी 370 बहाली का मांग नहीं की। हमारी मांग थी कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द उसका राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए विद स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस से हमारा अभिप्राय था कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अंदर और शिक्षा संस्थाओं के अंदर आरक्षण की सुविधा दी जाए। देखिए स्पेशल स्टेटस कोई नई बात नहीं है, देश के 11 राज्यों के अंदर स्पेशल स्टेटस ऑलरेडी दिया गया है 370 के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के भी हम स्थानीय युवाओं को यहाँ पर नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं के अंदर उनको आरक्षण की सुविधा की यहाँ पर मांग कर रहे थे, मगर महाराष्ट्र टाइम्स और लोकमत ने इसका गलत प्रचार किया गया। उसने दावा किया है कि शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने 370 बहाली की मांग की है। देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों समाचार पत्र शिवसेना को जो पक्ष प्रमुख है हमारे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी की बढ़ती लोकप्रियता से और शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई जो लगातार जन मुद्दों को उठा रही है उसको लेकर कहीं बौखलाहट के अंदर है। इस समय बीजेपी और गोदी मीडिया सारा बौखलाहट के अंदर है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना का गलत प्रचार प्रसार कर शिवसेना की छवि को खराब करने पर तुला है, जिसे लेकर इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही को लेकर नोटिस दिया गया। अगर जल्द से जल्द इन्होंने अपनी खबर की क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उसकी खबर को वहाँ यूट्यूब से नहीं हटाया गया, तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसा हमारे हाईकमांड के हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं और सांसद हैं माननीय अनिल देसाई की तरफ से भी शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।